सुना सुना गीत आपको दे रही हूँ समूह भैया जी। सुना 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 नहीं सुना सुनाया सुना सुनाया सुना सुनाया आइए सुने कि बंधन के मैं ऐसे निकली जहाँ कहीं भी है गीत को सुनिएगा सुनिए महाराज शिव है जहाँ बस वही
सिवा है और शिवा रहे ना शिव के सिवा है। क्यों क्यों शिव हनुमान रूप में जाए, शिव हनुमान रूप में जाए, शिवा पूछ के रूप में भाए। क्यों तो बने वीर हनुमान वही भोलेनाथ, तो बने वीर हनुमान हने दुष्टों के मान, के बने वीर हनुमान हने दुष्टों के मान, हृदय श्रीमान समाए। पर ये समझ न आए क्या बेटे भैया, सदा संग रहती नारी भगवान भोलेनाथ के, जो बानर बनकर आ गए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी महाराज, तो कहना क्या बड़े। सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, पार्वती पूंछ के रूप में लेकिन बाल ब्रह्मचारी, विशेषताओं को समझिए। सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, तू नहीं बंधन कोई पत्नी के, पत्नी के है वो पत्नी के, तो सदा संग रहती नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, बाबा बजरंग बली। अब देखिए भगवान विष्णु भी कहीं पीछे नहीं है, सुनिए सुने कि भक्तों को देने आराम है, बन आए वो परशुराम है, भगवान विष्णु तो ब्रह्मचारी लक्ष्मी फरसे की धार बनकर आ गई परशुराम जी के हाथ में, तो कहना पड़ा कि नहीं लीना विराम की ये कर्म अविराम संग्राम में लहू बहाए, कि संग्राम में लहू बहाए, पर ये समझ न आए। सदा हाथ में है नारी, सदा हाथ में है नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, तो कहना क्या कहने हैं वरनी के, वर और वधु कहते हैं वर और वरनी, इसलिए क्या कहने श्याम मोहना,
भैया जी सुनेगा सुने। मधुसूदन घन श्याम मोहना कौन है वो जिसे बोले मोहना, ऐसा कौन है जो भगवान कन्हैया पर मोहित नहीं है, तो कहना कौन है वो जिसे बोले मोहना तो कहला विस्तारी वो भगवान कन्हैया नहीं तो दीनानाथ अवतारी कैसी लीला विस्तारी वो है नंदलाल कहा है कि वो है नंदलाल कहा है पर ये समझ ना आए भैया इधर इधर भी वही दिक्कत है पर ये जिनके 16,000 नारी 16,000 अनेक गोपिकाएं जिनके 16,000 नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी भगवान कन्हैया के 16,000 नारी हैं फिर भी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो कहना जिनके 16,000 नारी जिनके 16,000 नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी तो कहना पूर्ण है अरमा हर घरनी के कहते घरवाली घरनी पूर्ण है अरमा हर घरनी के तो घरनी के है वो घरनी के तो जिनके 16,000 नारी वो भी पूर्ण ब्रह्मचारी जिनके 16,000 नारी वो भी पूर्ण ब्रह्मचारी 16,000 नारी वो भी पूर्ण ब्रह्मचारी भगवान कन्हैया के प्रत्येक पत्नी के प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं सारी भगवान कन्हैया से संतुष्ट इसलिए कहना पड़ा जिनके 16,000 नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी पूर्ण ब्रह्मचारी आइए एक टुकड़ा और सुनिए सुने हमारे दादाजी बड़े गौर से सुन रहे हैं सुने समन्न हो कैसे ये शंकाएं समन्ने हो कैसे ये शंकाएं कहलाई जो पंच कन्याएं तो मायापति की कैसी माया मायापति की कैसी माया माया का कोई इंसान ना जाने इंसान ये तो जाने भगवान तो ना जाने इंसान ये तो जाने भगवान ये शंका कौन मिटाए ये शंका कौन मिटाए तो मोहन समझ ना आए क्या पांच
पाचुपति वीरता नारी, पाचुपति वीरता नारी, फिर भी कन्या कुमारी। और क्या कहने हैं इनकी करनी के कर्तव्य, तो क्या कहने हैं इनकी करनी के, तो करनी के है उन करनी के। तो पांचों पति और ये 21 रुपए का इसने बड़े भाई परम सद्य पप्पू तिवारी जी आपकी ओर से आया है, साधुवाद है। अच्छा प्रमुख जी शिवचरण भैया, दो वार्ड के मेंबर हैं आप, आपकी ओर से बार बार लगातार ये प्रेम इसने आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है शिवचरण भैया। वार्ड में आपको अवार्ड जरूर मिले इस बार, एक कामना कर रहा हूँ भोलेनाथ से। अभी 50 बाकी है, चलिए वो बात के ले लिए जाएंगे। देखिए हम लोग प्रमुख जी ऐसे कलाकार हैं, आप मानेंगे नहीं, एक बार हमारा कार्यक्रम गीता सिंह से देवकाली चौराहा फैजाबाद में चल रहा था, तो एक मित्र हमारे बहुत पुराने मित्र थे वहां पर, सुन लो पप्पू भैया, तो उन्होंने कहा जो पार्टी जीतेगी, जैसे आज पप्पू भैया ने कहा, तो मैं उसको जो है 501 रुपए दूंगा। भगवान की कृपा से मैं जीत गया, लेकिन सुबह वो हमको जनता में दिखाई नहीं पड़े, पता नहीं कहां निकल लिए। तो मैंने पूछा, हमने कहा भैया इनका घर कहां पर है? नहीं, हम वहां पहुंचे और भैया जैसे उन्होंने ऊपर से देखा हमको, हमको भाई साहब हम जीत गए, तो उन्होंने 500 ऊपर से फेंके, पुराना नोट चलता था। इसलिए आप भी ध्यान रखना थोड़ा सा। आइए चलाओ बड़े भैया, क्योंकि ये धन का मामला नहीं है लेकिन मन का मामला है, इसलिए कह रहा हूं, बाकी आप दें न दें अलग बात है, वो तो हम आपसे लेते रहते हैं। आइए चलाओ, सुनिएगा एक बहुत बढ़िया गीत, आदरणीय नीलम जी की ओर से आया है और नीलम जी ने गाया है। गीत कह रहा आपका, अरे मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, तू है कन्या कुमारी, नारे तपस्या में भंग कर दो, मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, तू है नीलम जी, बहुत चतुर हो आप, पहले प्रयोग आपने लगाए उनके साथ में है नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, फिर 16,000 नारी फिर भी बाल ब्रह्मचारी, 16,000 नहीं 16,108 नारी, अच्छा ये 108 बिल्कुल कैंची से हटा दियो इनका, चलिए खैर कोई बात नहीं है, 16,108 नारी भगवान का नहीं आगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपने ठीक बोला है, गाने में 16,000 नारी ही आएगा, 108 आप बोलोगी तो लाइन बढ़ जाएगी और बिल्कुल काव्य में खराब लगेगा,
आपने ठीक किया। और फिर आपने सोचा नारी 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 आ रहा है, अब आपने सोचा उत्तर भी आ जाएगा, तो फिर आपने कहा वो पंच कन्याएं। फिर आप पंच कन्याओं की तरफ चली गई, मन गया आपको, मतलब ऐसा काम किया आपने कि पूरी तरह से रास्ता काटने का प्रयास किया। चलो बिलरी भर कहो ना बेटा, वो चली नहीं गई, कोई भेज रहा है, चुप रहो। आइए मैं प्रयास कर रहा हूं, शायद कुछ बातें आपको मिल जाएं। सुनिएगा आदरणीय नीलम जी। बावन रूप हरि ने धारा, भैया जी, भाई साहब, अरे भाई जी इधर लेओ ना, देव देख तो लेओ, जरा सुनिएगा, आनंद आएगा, प्रयास कर रहा हूं। बावन रूप हरि ने धारा, धारा कमंडल में वो गंग धारा। ऐसा भेष है बनाए कोई जान ना पाए, लीला की अजब न्यारी वो लीलाधारी। अब देखिए जिनके साथ में है नारी, कमंडल में माता गंगा विद्यमान है, बहुत अच्छे बेटे, तो जिनके साथ में है नारी वो भी सरनी के ना सरनी के, जिनके साथ में है नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी। नीलम जी लाना मुश्किल है, टुकड़ा कठिन है आपका, लेकिन फिर शंभू हलचल कहते हैं, और घर का गीत है, और तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं खोज लाता हूँ, दादा भी हमारे जानते हैं, हम निकाल लाते हैं कहीं ना कहीं से। आइए फिर ला रहा हूं, एक टुकड़ा और मिला हमको। तो जांघु में ऋषि के गंगा समाई, शमाई देवों ने तब अर्जी लगाई। गंगा निकाला, क्या बात है,
जानू ऋषि शाबाश। और माता गंगा का एक नाम पड़ गया जानवी, तो कहना पड़ा ज्ञानी ज्ञान की कहानी वेदों ने बखानी जो समझ मेरी आया ग्रंथों ने बतलाया जिनके साथ में है नारी तो भी बाल ब्रह्मचारी साथ में है नारी वो भी बाल ब्रह्मचारी। बोलिए सच्चे दरबार की जय।